सांस लेने के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, तो एक साल के बाद में जो राजा होते हैं वो अपने मंत्रियों के साथ में निकलते हैं वन में शिकार के लिए, और वहाँ उनको भूख लगती है। तो जब भूख लगती है तो वो अपने मंत्रियों को बोलते हैं कि मुझे थोड़ी सी भूख लगी है। तो वो बोलते हैं कि मंत्री जो हैं अपने सैनिकों को मच्छी पकड़ के वहाँ पानी से भेजते हैं कि वन में कहीं से इसको पकवा के लेके आओ। तो वो मंत्री और उसके सैनिक जो हैं वो घर ढूंढते ढूंढते कि कहाँ बनवाएं घनघोर जंगल में, तो वो वहीं साधु की कुटिया पर पहुँचते हैं। तो जब साधु की कुटिया का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो रानी ही बाहर आती है, पर वो कहाँ पहचाने सैनिक, क्योंकि उसकी वेशभूषा और सब कुछ अब बहुत बदल गया था इस एक साल में। उन्होंने बताया कि ऐसे करके हमारे राजा जी आए हैं और उन्हें भूख लगी है। तो उसी दिन ही, उससे एक दिन पहले ही धागे का व्रत भी आता है। तो रानी ने वो धागे का व्रत अच्छे से किया ही था एक दिन पहले, पूरी श्रद्धा के साथ उसने माता रानी से माफ़ी मांगी थी अपनी गलती के लिए। और ठीक अगले ही दिन राजा जी जंगल में पहुंच जाते हैं। तो राजा के लिए वही मच्छी को बना के देती है वहाँ पर, मसाले वगैरह बना के। तो राजा एक बाइट खाते ही समझ जाते हैं कि ये तो मेरी रानी की हाथों की है। उस एक साल के दौरान राजा को भी रानी की बहुत कमी महसूस होती है। तो हालांकि रानी को फिर ढूंढने की कोशिश नहीं की, पर वो उस एक दिन के अंदर ही कमाल हुआ ऐसा कि राजा को रानी की याद भी आई और वो जंगल में भी पहुँचे। और ऐसा ही होता है माँ लक्ष्मी का चमत्कार, एक सेकेंड में कुछ और एक सेकेंड में कुछ। तो इसलिए अपने रीति रिवाजों को हमें मानना चाहिए। तो राजा खाते ही एक चलते ही पहचान जाते हैं, तो सैनिकों को बोलते हैं कि हमें लेकर के चलो जहाँ से आपने इसको बनवाया है। तो राजा को सैनिक जो है वहीं लेकर आते हैं साधु की कुटिया में, और दरवाजा रानी ही खोलती है। तो राजा देखते ही पहचान जाते हैं कि अरे ये तो मेरी रानी ही है। तो रानी और वो एक दूसरे से गले मिलते हैं, रानी भी माफ़ी मांगती है, राजा भी माफ़ी मांगते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ था ऐसे करके। तो राजा बोलते हैं कि रानी चलो दुख के दिन अब पूरे हुए, अब अपने घर को चलते हैं। तो रानी बोलती कि नहीं, इस पूरे एक साल में मैंने जिनको अपना धर्म पिता माना था, जो साधु जी हैं जिनकी कुटिया में मैं रहती हूँ, अभी वो जंगल गए हैं। जब तक वो आएंगे नदी से, मैं उसके बाद उनसे मिलकर के ही जाऊँगी। तो थोड़ी देर में ही साधु आते हैं और रानी उनको बताती कि इस तरह से मेरे पति अब आ गए हैं और मुझे अपने घर वापस जाना है, अपने राज्य की ओर वापस जाना है। तो साधु बोलते ठीक है बेटा, तुमने जो दुख सहने थे पूरे हुए, अब अपने घर को लौट जाओ। और जाते हुए उसको एक लोटा देते हैं, दही का मटकी देते हैं और एक घी का दिया भी देते हैं, और कहते हैं कि बेटा अगर जब ये दही का मटका फूट जाए तो समझ लेना मेरी तबीयत खराब है, और अगर दिया बुझ जाए तो समझ लेना कि मैं प्राण त्यागने वाला हूँ। तो तुम उसी समय आकर मुझे एक आखिरी बार जरूर मिल लेना, ताकि मुझे ये रहे कि हाँ मैंने तुम्हें धर्मपुत्री बनाया था, तो तुम मैं आखिरी समय में मेरे पास में थी। तो ऐसा कह के उन्हें खूब आशीर्वाद दे के साधु जी राजा और रानी को वहाँ से विदा करते हैं, खूब आशीर्वाद देकर, अच्छे अच्छे गिफ्ट त्योहार देकर। तो थोड़ा ही आगे जाते हैं रानी और राजा, तो जंगल में चलते चलते तो मटकी फूट जाती है। तो रानी राजा से कहती है कि ऐसा पिताजी ने कहा था कि अगर मटकी फूटे तो समझ लेना मेरी तबीयत खराब है, तो हमें वापस जाना चाहिए। तो राजा कहते हैं नहीं नहीं, जंगल के रास्ते खराब है, पत्थर है, तो झटके से ये मटकी टूटी है, साधु जी बिल्कुल ठीक होंगे, हम कुछ दिनों में आके फिर उनसे मिलने आएंगे। तो रानी भी ठीक है बोलती है करके राजा के साथ आगे बढ़ती है। अपने महल के बहुत नज़दीक पहुंचने ही वाले होते हैं कि वो जो घी का दिया था वो अपने आप बुझ जाता है। फिर रानी ने रोना चालू किया कि नहीं अब मुझे जाना ही होगा वापस, अब मेरे पिता प्राण त्यागने वाले हैं तो मेरे को वापस जाना है। तो राजा कहने लगे कि अपने
राज्य के इतने समीप आ गए हैं, हम थोड़ा सा हाथ मुंह धोकर कुछ खा पीकर फिर चलते हैं वापस। पर रानी अपने जिद पे अड़ी रही, तो वो उल्टे पैर वहीं से वापस पलटे। और पूरी यात्रा करके जब राज साधु की कुटिया में देखा पहुंचे, तो साधु महाराज अपने लीन है भक्ति में। तो रानी देख के चौकन्ने होकर उनके पास पहुंचती है कि बाबा आपने तो ऐसा कहा था कि मटकी फूटे तो समझना मेरी तबीयत खराब है और दिया बुझ जाए तो समझना मैंने प्राण त्यागने वाला हूँ। तो पर आप तो सही सलामत हैं। तो बाबा ने कहा कि बेटा आते तो बहुत लोग हैं यहाँ पर, और ये होता है कि समय के साथ लोग अपने रिश्ते भूल जाते हैं, पर मैं देखना चाहता था कि तुमने वाकई में ही मेरे को उस 1 साल में अपने पति से जब तुम दूर रही तो बस मुझे समय भर के लिए अपना पिता माना है, या तुम सच में मुझे अपने पिता मानती हो। तो मैं ये देखना चाहता था कि तुम पलट के लौट के आओगी या नहीं आओगी, पर तुमने वापस आकर ये साबित किया कि तुम मेरी धर्म की ही बेटी नहीं, तुम मेरी असल में भी पुत्री हो। तो मैं माँ लक्ष्मी से ये सदैव तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारा घर, तुम्हारा राज्य सदैव सदैव बच्चों से बच्चे तुम्हारे अच्छे सेहतमंद रहे, तुम्हारे पति जो राजा है उनको लंबी उम्र मिले, तुम्हारे घर में सुख समृद्धि, सुख शांति तुम्हारे राज्य में सदैव बने रहे, कोई ऐसा कष्ट तुम्हारे जीवन में फिर कभी ना आए। तो जैसे माँ लक्ष्मी जी ने रानी की पुकार सुन के उसकी गलतियों को क्षमा किया, ऐसे ही माँ लक्ष्मी से मेरी प्रार्थना है कि अगर मेरे से इस व्रत को करने में कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा कर देना। पहले की तरह अब मेरे से वैसे तैयार होके सुंदर से कपड़े पहन के नहीं होती है पूजा, पर मैं जितना कर पाती हूँ मैं करती हूँ, जितनी मेरे में हिम्मत होती है। तो पहले मैं बहुत तैयार थी होकर, और लड़कियों की तरह बहुत शौक था मुझे। तो चलिए माँ लक्ष्मी जी मिल चुके क्षमा करना हमारी। तो ये जो धूप हमने हाथ में ली थी इससे हमें धागे भी है हाथ में और ये चने की दाल भी है, तो ऐसे करना है। इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि धागों में 16 दंडी 16 दंडी होनी चाहिए, मतलब जब थोड़े थोड़े गैप पर हमें 16 गांठ लगानी होती है। एक जोड़ा मैंने मेरे और मेरे हस्बैंड के नाम का पहना था और एक जोड़ा मैंने मेरे बेटे के नाम का पहना था। तो इस तरह घास से हम करेंगे, 1 2 3 4